कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही क्रम अनुसरण करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहले बच्चों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले नंबर पे हम सी वाला ऑप्शन लेंगे, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। ठीक है, मतलब पहले हम चीज बच्चों को वस्तुएं दिखाएंगे जो आधी कटी हुई होंगी, फिर उसके बाद हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो, फिर उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करेंगे, फिर उसके बाद आधे का चिन्ह लिखकर दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, बच्चों को वो चीज़ दिखाएंगे जो आधी कटी हुई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम उस चीज़ का फोटो दिखा देंगे, और फिर फोटो दिखाने के बाद हमें कहानी के जरिए उन्हें समझाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम उसको उनको चिन्ह बताएंगे कि हम आधा कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सबसे पहले हमने कौन सा लिया था, सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी। सी ए डी बी किस में है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना चाहिए। समाकलन मतलब उनसे जोड़ के चलना चाहिए, जैसे हम ड्राइंग पढ़ाएं या फिर कोई लैंग्वेज पढ़ाएं तो कहीं ना कहीं हमें काउंटिंग का मतलब गिनती भी आ सके या मैथ्स की कुछ बात आ सके, इस तरीके से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। अब कक्षा 1 और 2 में केवल गणित में मौखिक प्रश्न हो तो खाली मौखिक प्रश्नों से तो काम बनने वाला नहीं है, कक्षा 1 और 2 में गणित ही नहीं पढ़ाने चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अभ्यास के लिए बहुत खाली आप प्रैक्टिस ही कराते रहेंगे, कुछ समझाएंगे नहीं उनको, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? अब जैसे हम दशमलव सीखना चाहते हैं तो हमें उससे पहले किसका ज्ञान होना चाहिए? व्याकलन कहते हैं हम सबट्रैक्शन को, किसको कहते हैं, सबट्रैक्शन को। ठीक है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, योग मतलब जोड़। तो हमारा जो पास हमारे पास अगर हम दशमलव की चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास उस स्थानीय मान की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग, गुणा, भिन्न को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, योग, व्याकलन, गुणा और भाग, योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। भाई देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल ये तो भाई छोटे क्लास प्राइमरी वाले में बात इतनी नहीं आएगी, ये थोड़ी सी 6 to 8 की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद योग, गुणा, भिन्न में दशमलव में बदलना और समाकृतियों की रचना करना, ये भी प्राइमरी लेवल की नहीं है। परिकल्पना, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, समीकरण बनाना बिल्कुल नहीं, ये बड़े क्लासेस के लिए। तो क्या होगा, योग, व्याकलन, गुणा और भाग, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। ठीक है, आगे चलते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए।
ऑप्शन नंबर बी योग यानी जो जोड़ है शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब आप किसी बच्चों को एडिशन सिखाना जा रहे हैं तो आप उसको पहले ओरली समझाएंगे, उसको बताएंगे कि बच्चों बताइए हमारे पास 5 टॉफियां थी और हमारे पास 2 टॉफियां और आ गई तो हमारे पास कितनी टॉफियां हो गई। इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है भाई, मूल्यांकन हेतु किया जाना ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली आप मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में आप शाब्दिक कराएंगे, पहले सब समझा देंगे, बाद में आप उनको ओरली पूछेंगे, नहीं हमें पहले ओरली पूछना है और प्रश्न ही ना कराए जाएं तो ये भी बात गलत हो जाएगी। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ में निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिए। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी में संबंधित है? पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति, समुच्चयन या संवर्धन? ऑप्शन नंबर सी समुच्चयन हो जाएगा। जब आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिले कि एक जगह पर इतनी चीजें थी और उसके बाद उसमें थोड़ी सी और ऐड कर दी गई तो वो कहलाएगा समुच्चयन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है यह कथन है। गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, सही क्योंकि ये विद्यार्थियों के उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं, गलत क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। भाई किसी भी चीज़ में गलतियों का स्थान नहीं है, आप ऐसा कह ही नहीं सकते क्योंकि बच्चा बिना गलती के सीखता ही नहीं है। अनेक प्राप्तांकों, यहाँ पर भाई नंबर्स की बात आ गई, इसको बिल्कुल काट देंगे, गलत है क्योंकि त्रुटियाँ लापरवाही दर्शाती हैं, नहीं ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, बच्चे गणित को किस प्रकार सीख रहे हैं ये है हमें त्रुटियों से ही पता चलता है। त्रुटियां बच्चे की कमी नहीं बताती बल्कि त्रुटियां यह बताती हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितने मन से सीखा है। तो जो गलतियाँ हैं वो बच्चे का स्वाभाविक हिस्सा कहलाती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि गलतियाँ क्या हैं तो आप कहेंगे स्वाभाविक हिस्सा, तो बच्चा बिना गलतियों के नहीं सीख सकता। ठीक है, तो गलतियां बच्चों की कमी नहीं है बल्कि गलतियां ये बताती हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। ठीक, आगे चलते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/200 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर्वाधिक उपयुक्त है? संख्या चार्ट, गिनतारा विकस, 10x10 वर्गीकृत ग्रिड या डाइंस ब्लॉक? ऑप्शन नंबर सी राइट, 10x10 वर्गीकृत ग्रिड यानी जो ग्राफ पेपर होता है हम उसको बता सकते हैं कि 1/10 बड़ा है या 1/100 बड़ा है। आगे चलेंगे। 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? आकलन, प्रेक्षण, अध्यारोपण, अप्रमाणिक इकाइयों का उपयोग? ऑप्शन नंबर हमारे पास ठीक हो जाएगा बी, प्रेक्षण। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच हम तुलना कराएंगे तो प्रेक्षण यानी डायरेक्टली उनको चीज़ों से अवगत कराएंगे, उनके सामने दोनों चीज़ रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। इस तरीके से आप जो सिखाना चाहते हैं वो बच्चे बहुत इजीली सीख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, कक्षा के प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को पहचानने में। तो जो पहेलियां हैं वो सिर्फ मनोरंजन देती हैं लेकिन मनोरंजन खाली से काम नहीं चलेगा, समस्या सुलझाने में कौशलों को परखने में भी मदद नहीं करती और प्रतिभावान विद्यार्थियों को पहचानने में भी मदद नहीं करती बल्कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती हैं जो पहेलियां हैं। आगे है, गणितीय संरचना उल्लेख करता है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी से में भाग लेने का कौशल,
गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो जो गणितीय संचारण उल्लेख जो करता है वो करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, गणित कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता को नहीं करता, प्रश्नोत्तर भाग लेने कौशल को नहीं करता और समस्या को सुलझाने की क्षमता को नहीं करता। किसको करता है? गणितीय विचार को समाहित और संगठित करने की क्षमता को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वो लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें लिंक मिल जाएगा और अगर किसी को सी टेट के नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी मिल जाएंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।